हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। आज के स्कूल आईडी आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे पुराने टी शर्ट का यूज़ करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई पुरानी टी शर्ट या क्रॉप टॉप या कुछ भी ऐसा शॉर्ट हो तो वो आप ले सकते हैं और उससे बना सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास ये बेकार पड़ा हुआ एक टी शर्ट शॉर्ट था तो मैंने इसका यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो इलास्टिक लगी हुई है वो हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इस ऊपर का एरिया और ये इलास्टिक को कट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ऐसे करके कट कर लिया है। अब इधर साइड का भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसको कट करने के बाद हम अच्छे से इसको बराबर कर लेंगे और जो स्टिचिंग भी है वो सारी हम ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। अब हम यहाँ से ये जो क्रस्ट वाला एरिया है वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको एक साइड से ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ओपन हो गया है और इसमें हम 4-4 इंच की दूरी लगाकर एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद से हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए 4 इंच पे मैंने निशान लगाया। सेम ऐसे ही आप टी शर्ट के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे 4 इंच का निशान लगाकर कट कर लें और इसके बाद ऐसे यहाँ से हमें कटिंग करते जाना है। तो देखिए यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी और ये 2 पीस कट हो गया है। तो ऐसे ही हमें और भी पीसेस कट कर लेने हैं और इसको कट करने के बाद एक साइड से हमें इसको ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए ये वाला साइड जो है वो हमें ऐसे फोल्ड करना है उल्टे साइड में और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये हम सुई धागे से कर लेंगे। आप चाहे तो मशीन से भी कर सकते हैं, ये सुई धागे से भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम पूरा इसकी सिलाई कर लेंगे, एक साइड से हम इसको ओपन रखेंगे। तो ये देखिए ये मैंने कर लिया है। अब इसके बाद अब हम यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से आप कोई स्टिक से या कोई भी चीज़ से आप इसको सीधा कर लें। तो ये देखिए ये मैंने सीधा कर लिया है और ऐसे ही अब हम और भी पीसेस बना लेंगे। तो यहाँ पे कुल मैंने 12 पीसेस कट किए हैं। तो 12 मैं यहाँ पे बनाकर तैयार कर लूँगी और उसके बाद अब हम इसमें फिलिंग कर लेंगे। तो फिलिंग करने के लिए आप कोई भी कतरन ले सकते हैं या तो फिर रुई ले सकते हैं, जो भी आप चाहे वो छोटे छोटे कपड़े कट करके इसमें फिल कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहे वैसे आप इसको फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रुई का भी इस्तेमाल किया है, कतरन का भी इस्तेमाल किया है। तो दोनों चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से फिल कर दी है। तो स्टिक की मदद से आप इसको अंदर की ओर प्रेस कर दें और इस तरीके से ये फिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्केल से मैंने इसको अच्छे से अंदर की ओर कर दिया है और ऐसे ही आप इसको पूरा फिल कर लें। तो फिल करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो पहले हमें 6 लाइन ऐसे बना लेनी है और इसके बाद हमें क्रॉस में 6 लाइन बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने ये 6 लाइन्स यहाँ पे रखी हुई है और अब हम 6 लाइन्स इधर से रखेंगे। तो एक के ऊपर एक ऐसे नहीं रखेंगे, इसको एक के ऊपर एक ऐसे उठाकर फिर दूसरा वाला नीचे फिर तीसरा वाला ऊपर, ऐसे करके हम इसको बनाते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके इसके ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करते हुए हम पूरा लगाते जाएंगे 1 बाय 1। इधर साइड से पहले लगा लें या तो फिर उधर साइड से लगा लें। एक उठाएंगे, एक रखेंगे, एक उठाएंगे, एक रखेंगे और ऐसे करते हुए हम चारों तरफ से इसकी स्टिचिंग भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने दूसरा लगाया और इसको अब हम उठाएंगे, यहाँ से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर इसको हम फंसा देंगे। तो बस ये चटाई की तरह आपको इसको बनाते जाना है और यहाँ पर पूरा आप इसको फुल कवर कर लें। तो इसको जब आप ऐसे लगा लेंगे उसके बाद आप चारों तरफ से इसकी स्टिचिंग कर लें, या तो आप स्टिचिंग करते जाएं और इसको ऐसे लगाते जाएं।
तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपको बनाना है, वन बाय वन करके एक दूसरे के ऊपर आपको इसे रखते जाना है। तो ये वाला देखिए ऊपर है, इसको नीचे की ओर करना है, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, तो बस ऐसे करके ही अब आप इसको ज्वाइंट कर लें। तो ये मैंने यहाँ पे एक नीचे एक ऊपर रखा है, और इस अब हम इसको पकड़ के स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ज्वाइंट कर लिया है, और ऐसे अब हम दूसरा वाला भी इसमें ज्वाइंट करते जाएंगे। तो बस सुई धागे से हमें इसको ऐसे ज्वाइंट करते जाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक नीचे वाला ज्वाइन कर लिया, अब हम ऐसे पकड़ के ऊपर वाला ज्वाइन कर लेंगे। तो बस ऐसे करते हुए इसके अब फिर से एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर करते हुए दोनों साइड से हम इसको ज्वाइन करते जाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको इतना कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ साइड से मैंने स्टिचिंग लगा दी है, और इस साइड से स्टिचिंग लगा दी है। अब हम इस साइड से भी स्टिचिंग लगा लेंगे, और इस साइड से, और जितना एक्स्ट्रा बचेगा वो हम कट कर लेंगे। तो आपको इतना बड़ा अगर चाहिए तो आप एक्स्ट्रा कपड़े साइड साइड से कट करके सिलाई लगा दें। तो ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा कट करके चारों तरफ से बंद कर दिया है और स्टिचिंग कर दी है। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी टू यूज़ है आपका फ्लोर मैट। और इस तरीके से आप सिर्फ इसको फ्लोर के लिए नहीं यूज़ कर सकते, आप इसको चेयर पे भी यूज़ कर पाएंगे, और टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं, सोफ़े पे भी आप इसको अलग अलग कलर के बनाकर रख सकते हैं। तो बहुत तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बचे हुए कपड़े का ये यूज़ आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कतरन भी आप इसके अंदर अच्छे से फिलिंग कर सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल टाइट रहेगा और बिल्कुल वॉशेबल है, आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप सुई धागे से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।
आप गद्दा बना सकते हैं उसकी तरह, आप इसको यूज मैट्रेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है, बैठने में काफ़ी आरामदायक है। आप चाहे तो इसको चेयर के बैक साइड पे या फिर बेड के बैक साइड पे, सोफ़े के बैक साइड पे लगा सकते हैं, नीचे की ओर चेयर पे रख कर इसको बैठ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है।